वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं स्कूटी की सर्विस करवाने, क्योंकि स्कूटी की सर्विस करवानी बहुत जरूरी है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम से स्कूटी की सर्विस करवानी थी, तो आज चलते हैं और करवाते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या कमी आती है। वैसे स्कूटी मैं चलाता हूँ तो कमी तो बहुत आएगी, क्योंकि मैं चलाता हूँ स्पीड से, मेरे को इतना वो तो नहीं होना चाहिए इसमें, प्राउड या मुझे स्पीड बहुत पसंद है, सच बता रहा हूँ। वैसे तेज ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, मैं करता हूँ, मुझे पसंद है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे कर पाऊँ, अपने हाथों को कंट्रोल करूँ और धीरे चलाऊँ स्कूटी। बाकी चलते हैं और रिपेयर करवाते हैं और सर्विस करवाते हैं, वट एवर इट इज। चलो बाय। आने वाले जा ही रहे बस पहुँच गए सर्विस सेंटर में, बस 5 मिनट की और देर। मैं सुजुकी के शोरूम आ गया और सर्विस सेंटर पीछे है, तो अभी सर्विस करवाने के लिए स्कूटी बता दी है। देखो क्या होता है, अभी खर्चा बहुत आने वाला है पक्का, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सब बहुत ड्रामे हो गए हैं यार इसका ना, पता है एक्सीडेंट भी दो तीन बार हो चुका है, मतलब वैसे एक्सीडेंट नहीं हुआ, खड़े खड़े को ठोक गया भाई, इतना गुस्सा आता है ना मेरे को, तो अपनी गाड़ी से इतना प्यार है, मतलब अपनी गाड़ी से मेरे को इतना प्यार है ना भाई, मतलब ऐसा होता है कि यार स्कूटी को कोई ना छुए, बस स्कूटी प्यार है यार, ऐसी चीज है ना गाड़ी, मतलब इमोशन है यार। चलो कोई बात नहीं, अब जब दूसरी गाड़ी लेंगे तो उसको थोड़ी केयर से रखूँगा, ज़्यादा थोड़ा पैम्पर करके रखूँगा। वैसे इसको ही पैम्पर करके रखता था मैं जब तक मैं रुद्रपुर था, उसके बाद तो फिर जब मैं बाहर चले गया तो ऐसे ही हो गया। अब जॉब ज्वाइन करने का दोबारा टाइम आ रहा है, लेकिन मैं मन सा नहीं हो रहा घर छोड़ के जाने का, शायद कल निकलूँ या परसों निकलूँ, तो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। बाकी सर्विस होते हुए मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें लगना है और क्या क्या बचा है। बाकी कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना, कुछ नहीं होना, क्योंकि ये पापा भी यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करता हूँ, तो मॉडिफिकेशन तो करवा ही नहीं सकते। अगर सिर्फ मेरी होती तो मैं मॉडिफिकेशन करवाता था उस तरीके की, लेकिन मॉडिफिकेशन करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, छपरी थो ना, मॉडिफिकेशन करवानी है तो थार वार में करवाओ, स्कूटी में क्या करवानी है यार, छपरी करवाते हैं स्कूटी में। मैं सर्विस देख रहा हूँ रूमी का पानी पीते हुए सर्विस देख रहा हूँ क्या क्या हो रहा है काम। मैं पूरी क्लीन करता हूँ, पहले बहुत गंदी हो रही है स्कूटी, अच्छा है मेरा काम बढ़िया, नहीं तो मेरे को स्कूटी धोनी पड़ती है यार। और मैंने ये देखा एक्सेस में, मतलब एक्सेस बहुत बढ़िया स्कूटी है भाई, मैंने पर्सनली चलाई है, और किसी ने भी स्कूटी लेनी हो ना और भगानी हो, मतलब किसी को स्पीड पसंद हो स्कूटी में, घर वाले सुपर बाइक वगैरह नहीं दिला रहे हो, वाह डिग्गी ही हटा दी, सुपर बाइक ना दिला रहे हो तो एक्सेस 125 ले लो भाई तगड़ी, या ले लो वो कौन सी है यार TVS की कौन सी आती है एंटॉर्क, वो भी बहुत तगड़ी है, लेकिन इसका BS6 वाला इंजन जो अभी आया तगड़ा भाई। देखो तगड़ी बाइक जिक्सर SF सर्विस होने आई है किसी की है, लेकिन इसका एनालॉग देखो स्टार्ट हो गई है और इसकी आवाज सुन लो, तगड़ी भाई तगड़ी। बाकी अपनी स्कूटी की वॉशिंग भी होने लगी है भाई TVS का सुजुकी के शोरूम में भाई, मेरा व्लॉग चल रहा है भाई तगड़ा, बहुत तगड़ा भाई। भाई सर्विस कब होगी यार,
कोई ना मैं अपना व्लॉग देखूंगा। गाइस तुम भी देखो, मजा आएगा। पुराने व्लॉग जितने भी है ना इंटरेस्टिंग है भाई, अभी भी इंटरेस्टिंग आएंगे आगे। मैं आपको स्कूटी की ब्रेक दिखाता हूँ, ब्रेक कैसी हो रखी है भैया। ये ब्रेक लगती है बंदा कहाँ तक जाएगा। अगर ये ब्रेक लगेगी और सामने कोई गाड़ी होगी कि ये कहाँ तक जाएगा कोई। वो तो किराने की स्पीड के ऊपर है ना यार, आप कैसी स्पीड चल रहे हो, आप घसीटते हुए जाओगे। ब्रेक है ही नहीं, गोल गोल हो जाएंगे। हाँ गोल हो जाओ, तो ब्रेक है ही नहीं, खत्म भाई, खत्म है इस पे। स्कूटी आप नहीं ले रहे भाई, कहाँ चक्कर में पड़ा हो। दोबारा बोल दो एक बार, वो पापा भी देख लेना। स्कूटी ले लो दोबारा, हो गया सर टेंशन स्कूटी का। मोबाइल भी नहीं निकला, मोबाइल भी नहीं है। तो हंटर हो गया। हाँ पूरे तो है भाई, ये ठंड में किसी के पड़ गई तो दो दिन नहीं उठेगा बंदा। गर्मी में भी पड़ गया ना तो ये टैटू बन जाए। स्कूटी की सर्विस पूरी हो चुकी है, अपना सामान सुमून उठाते, हेलमेट उठाते और निकलते हैं फटाफट घर को। स्कूटी की सर्विस का बिल आया 1700 रुपये भाई साहब।